जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, वन दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। कब तक आपको ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगी और इसमें पेट का कट ऑफ कितना जाएगा और एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है क्या, यह बात सत्य है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इस वजह से कट ऑफ जाएगा बहुत हाई, तो क्या वजह है कि कट ऑफ हाई जा रहा है और शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी, इन सब चीज़ों के बात हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्त, आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं UP++C से कोई भी अपडेट पाने के लिए, और घंटे के निशान को भी दबा दें। देखिए, ज़्यादा समय गंवाते न हुए हम बात करते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि आयोग जो अपना नोटिफिकेशन में लिखता था 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और बुलाता था 30 गुना, जैसा कि हम लोगों ने लेखपाल में भी देखा 30 गुना बुलाया था। उसके बाद पूर्ति निरीक्षक वाला इंस्पेक्टर वाला जो फॉर्म आया था उसमें भी 3 गुना बुलाया था, और वन दरोगा का जो था इसमें भी 3 गुना ही बुलाने का प्रस्ताव एकदम था, लेकिन यहाँ पर 30 गुना न बुला करके अब मात्र 15 गुना ही लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसा आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। यह अनऑफिशियल है, लेकिन इस बात पर 100% आप विश्वास करिए, शॉर्ट लिस्टिंग केवल 15 गुना लोगों की ही होगी। और इसके पहले जो हमने या आपने भी कई जगह कट ऑफ देखा होगा तो लोग 30 गुना करके बता रहे थे, तो 30 गुना अब की बार नहीं लिया जाएगा। अब की बार या फिर अब से कहिए केवल और केवल 15 गुना ही अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। इसी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। इसमें भी प्रस्ताव था कि पहले 30 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि लेखपाल में भी 30 गुना बुलाया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जिनका कम नंबर था या फिर कह लीजिए क्वेश्चन की वजह से कई बार मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में ही अटका हुआ है। तो कोर्ट वगैरह की झंझट से बचने के लिए और भी अन्य रीजनों के कारण अब केवल 15 गुना ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो जो कटा पहले 30 गुना बुलाने पर हम लोगों ने बताया था 68 से 70 के करीब जाने वाली थी, अब यह 68 70 न जाके जो यह कटाफ है, अब कटाफ की बात करें तो 74 से 75 नंबर के बीच में, जिनका नंबर ठीक है 74 से 75 नंबर के बीच में है, उन्हीं का पेट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यह तो अनऑफिशियल है, लेकिन आपको बहुत ही जल्द ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। और शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी, तो शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी तो हम आपको बता दें कि आज या कल, ठीक है, आज या कल के अंदर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी और इसका जो कट ऑफ जा रहा है 74 से 75 जाएगा। और आज या कल अगर जारी होने की 100% उम्मीद है, यदि किसी कारणवश नहीं जारी हो पाया तो 7 तारीख से, यानी कि यहां पर 5 मार्च से 12 अप्रैल तक आयोग बंद रहेगा, तो 12 के बाद जारी होगा। लेकिन जहां तक चांस है, आज या कल में आपको देखने को ऑफिशियल साइट पर नोटिस मिल जाएगा। और बात करते हैं एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम जो आप लोगों ने सुना है अप्रैल में, तो सही बात है, एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होने की पूरी उम्मीद है। अभी तक इसकी डेट नहीं डिसाइड की गई है, लेकिन अप्रैल में होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो बाकी यह जो आप अभी तक आपने खबर सुना है, यह पूरी तरीके से अनऑफिशियल है, लेकिन ऐसा सब कुछ डिसाइड हो चुका है, बहुत जल्द आपको ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा। और एक बात सुन लीजिए, आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, चाहे फिर से 4000 लेखपाल की आने वाली हो या फिर जितनी भी वैकेंसी आएंगी, उसके लिए अब केवल और केवल 15 गुना लोगों को ही पास किया जाएगा, ऐसा आयोग और शासन ने मिल करके निर्णय लिया है, ठीक है। तो अब से 15 गुना ही बुलाया जाएगा, ठीक है। और भी कोई यदि आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अन्य अपडेट के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।